Amitabh Bachchan was recently honoured with the prestigious Lata Dinanath Mangeshkar Award, sparking a flurry of viral images from the ceremony. The event took place at the Dinanath Mangeshkar Nityagraha, where Big B graciously accepted the accolade, with his son Abhishek Bachchan by his side. Among the luminaries present on stage was the graceful Padmini Pure, known for her unforgettable performances in films like Prem Rog. She captivated in a simple yet elegant pink sari, radiating Beauty effortlessly. Randeep Hooda was visibly elated to witness Big B's momentous occasion, dressed sharply in a black check-patterned suit, exuding charm and sophistication. The maestro A R Rahman was also captured in the images, seated gracefully in a striking blue suit, his presence adding to the star-studded affair.

न जाने क्या ऐसी बात थी कि वो जब भी मुझसे मिलती थी या हमारे परिवार के सदस्यों से मिलती थी तो एक अलग तरह का उनका स्नेह और प्यार होता था आपने देखा होगा कि पिछले वर्षों में कुछ हमारे जितने फिल्म जगत के कलाकार हैं वो विदेश जाते हैं मंच पर कार्यक्रम करने उनका गीत होता है गायन होता है नृत्य होता है शायद लोगों को पता नहीं कि इस तरह के कार्यक्रम में भी किया करता था और एक तरह से माना जाए तो इसकी शुरुआत जो है वो मुझे लता जी की देन मिली थी कि इसकी शुरुआत की जाए ये शायद बहुत से लोगों को पता नहीं उन्नीस की बात है मैं न्यूयॉर्क में था और हमारे एक मित्र आए कहा कि लता जी न्यूयॉर्क में हैं और वो आपसे मिलना चाहती हैं तो मैं लता जी से मिलने गया उन्होंने कहा अमिताभ जी मेरा यहाँ मंच पर एक कार्यक्रम है मेडिसन स्क्वेयर गार्डन जो कि बहुत ही विख्यात अमेरिका का एक स्टेडियम है वहाँ पर एक हॉल है फिल्ड फोरम जहाँ पर उनका कार्यक्रम होना था उन्होंने कहा यहाँ मैं चाहती हूँ कि आप दो मिनट आकर के मेरी एक प्रस्तुति कर दें लता जी का प्रस्तुति करना ये मेरे लिए समझ में नहीं आया है कैसे कह रही हैं लेकिन क्योंकि वो लता मंगेशकर हैं इसलिए मैंने उनकी बात मान ली और मैंने कहा ठीक है लता जी मैं आ जाऊँगा जाने लगा तो फिर उन्होंने कहा अमिताभ जी सुनिए हमने सुना है कि अभी आपने अपनी एक फिल्म में गाना गाया है अरे मैंने कहा नहीं लता जी वो देखिए वो हल्का फुल्का वो शादी ब्याह में नोक शोंक होती रहती है उस तरह का एक गाना था हमारे निर्देशक ने हमको होली के दिन सुना और उन्होंने कहा कि इसको फिल्म में डालना है तो वो उन्होंने डाल दिया फ़िल्म का नाम था लावारिस गाना था मेरे अंगने में अब हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई क्योंकि हमने पहले कभी ऐसा किया नहीं था लता जी ने आग्रह किया तो हम गए और बड़ी कठिनाई से हमने किसी तरह वो गाना वहाँ गा दिया जनता में कुछ लोग जो थे वो ताली वाली बजा दिए कुछ लोग खड़े होकर के नाचने लगे जो हमारे मित्र थे उन्होंने ये देखा उन्होंने कहा भाई साहब अब हर साल आपका कार्यक्रम होगा अलग अलग देशों विदेशों में और इस तरह ये कार्यक्रम शुरू हुआ ये अस्सी के दशक की बात है तो इसका श्रेय जो है ये लता जी को जाता है as the ceremony concluded abhishek was spotted tenderly supporting his father through the crowd the joy evident on big b's beaming face in the heartwarming snapshots of the event the spirit of celebration and camarade among the stars shone bright marking a memorable evening in the world of indian cinema